अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लैक्रिमल अपैरेटस। बेसिकली आईलेट के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन आईलेट में किसी और लेक्चर में कर दूंगा अगर जरूरत हुई तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मेरा ऑर्बिटल कैविटी का लेक्चर अटेंड किया है तो उसमें मैंने लोकेशन बताई है लैक्रिमल ग्लैंड की। जिन लोगों ने ऑर्बिटल कैविटी का लेक्चर अटेंड नहीं किया है उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ, जिन लोगों ने अटेंड कर लिया वो इस वीडियो को थोड़ा आगे कर दीजिए। सपोज दिस इज द राइट आई एंड दिस इज द लेफ्ट आई, तो ये ऑर्बिटल कैविटी की सुपीरियर वॉल है। सुपीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे एक ग्लैंड होती है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टीयर्स एंड वी कैन नॉट फील दिस ग्लैंड, इट्स अंडर द बोन। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस बोन के पीछे, जहां पे मेरा इस वक्त थंब पॉइंट आउट हो रहा है, इस बोन के बिल्कुल पीछे एक ग्लैंड है विच इज कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड, एक इधर और एक इधर। इसका काम है हमारी आईज को मॉइस्चर रखना, लेकिन कभी कभार जब हम ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, इधर वेरी हैप्पी और वेरी सैड, तो इस ग्लैंड की प्रोडक्शन अचानक से बढ़ जाती है एंड वी स्टार्ट हैविंग टीयर्स। सो टीयर की डेफिनेशन क्या है? द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड इज कॉल्ड टीयर। अच्छा, टीयर में कुछ बैक्टीरियोसाइडल केमिकल्स होते हैं जिनका काम होता है बैक्टीरिया किल करना, वो आप टीयर की फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे। सो हियर इज द लोकेशन फॉर द लैक्रिमल ग्लैंड, सुपीरियर लेटरल सर्फेस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की सुपीरियर लेटरल सर्फेस पे दो एक एक दोनों तरफ लैक्रिमल ग्लैंड होती है। किसी एक को ही हम स्टडी कर लेते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड से छोटे छोटे क्या निकल रहे होते हैं? लैक्रिमल डक्ट निकल रही होती हैं और इनकी वजह से आंखों के अंदर आ जाते हैं आंसू। अगर हम ये आई बना लें, ये रहा आई, ये रहा आई बॉल, ठीक है, तो इससे हर वक्त टीयर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है लैक्रिमल ग्लैंड से। और हम लोग हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी आई ब्लिंक कर रहे होते हैं, तो जब हम अपनी आई ब्लिंक कर रहे होते हैं, बेसिकली हम इस लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन को वाइप आउट कर रहे होते हैं पूरी आई पे। जैसे वो पोछा लगाना होता है ना, पूरा फर्श गीला हो जाता है, तो लैक्रिमल ग्लैंड की प्रोडक्शन तो साइड पे हो रही है। जब हम अपनी आईलिड नीचे करते हैं तो इसकी जो जो टीयर्स प्रोड्यूस ही होते हैं या जो जो मॉइस्चर प्रोड्यूस हुआ होता है वो पूरे के पूरे कंजक्टिवा पे लग जाता है और इस तरीके से आईज मॉइस्ट हो जाती है। लैक्रिमल ग्लैंड से छोटा छोटा क्या निकल रहा होता है? आई होप नजर आ रहा होगा कैमरा से, लैक्रिमल डक निकल रही होती है और इनकी ये डायरेक्शन होती है और ये सारा इधर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आई पे आके जमा हो जाता है। लेफ्ट भी बना लेते हैं साथ में, ये रही लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड से छोटी छोटी क्या निकल रही है? लैक्रिमल डक, और यहां से सारे टीयर्स आके मीडियल एस्पेक्ट पे जमा हो जाते हैं। मीडियल एस्पेक्ट पे छोटे छोटे लैक्रिमल कैनालिकुलाए होते हैं। अगेन, जैसे ये लैक्रिमल डक्ट हैं, यहां पे छोटे छोटे लैक्रिमल कैनालिकुलाए होते हैं जिनका काम है इस टीयर को, इस ये टीयर इनके अंदर चला जाता है और यहां पे एक और ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड पंक्टम। तो छोटे छोटे लैक्रिमल कैनाल से टीयर जमा होता है मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे बन रहा है, मीडियल साइड पे जमा हो रहा है, लेटरल साइड से बन रहा है, मीडियल साइड पे जमा हो रहा है। इन छोटे छोटे कैनाल्स के अंदर टीयर चला जाता है और यहाँ लैक्रिमल पंक्टम एक चीज है, वहां पे जाके जमा हो जाता है। लैक्रिमल पंक्टम के पीछे लैक्रिमल सैक है और फिर नेजो लैक्रिमल डक्ट है। This is called lacrimal sac, या फिर एक बुक में lacrimal lake की भी टर्म यूज हुई है। लेक वो जगह होती है जहां पानी जमा हो रहा होता है, तो ये बेसिकली वो जगह है जहां पे, ये बेसिकली वो जगह है जहां पे आंसू जमा हो रहे होते हैं। एंड दिस इज नेजो लैक्रिमल डक्ट, NASOLACRIMAL, नेजो लैक्रिमल डक्ट। तो नॉर्मली क्या हो रहा होता है, लैक्रिमल ग्लैंड से हर वक्त थोड़े थोड़े आंसू बन रहे हैं
वो इधर आके नेजल लैक्रिमल कैनालिकुलाय में जमा हो रहे हैं, लैक्रिमल कैनालिकुलाय पंक्टम में खुल रहे हैं, पंक्टम पीछे लैक्रिमल सैक में खुल रहा है और लैक्रिमल सैक नीचे नेजो लैक्रिमल डक्ट में आ रहा है और नेजो लैक्रिमल डक्ट कहाँ खुल रही है, इन्फीरियर नेजल मियाटस। जिन्होंने नेजल कैविटी का लेक्चर अटेंड किया है उनको पता होगा व्हाट इज इन्फीरियर नेजल मियाटस। उस लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जब हम लोग बहुत ज्यादा रोते हैं तो सिर्फ आंखों से नहीं नाक से भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं, वो इसकी वजह से होता है। आंसू एक तो डायरेक्ट टीयर्स यहाँ से भी गिर रहे होते हैं और फिर इधर वो सैलाब वाली सिचुएशन हो जाती है, यहाँ सैक में जमा हो रहे होते हैं और नेजो लैक्रिमल डक्ट में इन्फीरियर नेजल मियाटस में नहीं जा पाते क्योंकि ये बहुत छोटा है और नाक से भी आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए रोते रोते लोग हमेशा ऐसे ऐसे नाक अपनी ऊपर कर रहे होते हैं, वो यही वजह है कि आंसू नाक से भी बह रहे होते हैं रोते हुए। अच्छा, दैट वॉज द लेक्चर। इसकी क्लिनिकल सी अगर हम बात कर लें तो देयर इज एन इन्फेक्शन कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस, ब्लैक से लिखते हैं यहाँ पे डेक्रोसिस्टाइटिस, DACROCYS cystitis। This is basically the infection of the lacrimal sac या फिर nasolacrimal duct। इसमें होता क्या है कि हमारी आंख में ना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जा रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जा रहे होते हैं और कभी कभार वो डस्ट पार्टिकल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो सैक में जाके फंस जाते हैं और आंसू यहाँ से जा नहीं पाता। बॉडी में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जैसे गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो कोलीसिस्टाइटिस हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, आंसू जा नहीं पाते हैं इस ट्रैक के थ्रू, तो इस ट्रैक के अंदर बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस। इनफैक्ट प्लेब में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डेक्रोसिस्टाइटिस, तो ऑप्शन होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेसोलैक्रिमल डक्ट या फिर नेसोलैक्रिमल सैक। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड का भी इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लैक्रिमो एडेनाइटिस। सही, एडेनाइटिस, किसी भी ग्लैंड के इन्फेक्शन को एडेनाइटिस कहते हैं, तो लैक्रिमो एडेनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। दैट्स इट, लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू बन रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं कैनालिकुलाय से पंक्टम में, पंक्टम से सैक में, सैक से नेजो लैक्रिमल डक में और इन्फीरियर नेजल मियाटस से फेरिंग्स में ड्रेन हो रहे हैं। ये प्रोसेस 24 घंटे चल रहा होता है लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल कर रहा होता है। जब हम जज्बाती हो जाते हैं तो फिर ये ज्यादा हो जाता है तो हमें टीयर्स महसूस हो रहे होते हैं। टीयर की डेफिनेशन क्या है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड की सिंपैथेटिक सप्लाई भी है, पैरासिंपैथेटिक सप्लाई भी है, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 7। दैट्स इट, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू।